एवरीवन, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आप कैसे किसी बाइनरी ट्री का प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल फाइंड कर सकते हैं। आज मैं उसी सेम मेथड को एक टर्नरी ट्री पे यूज़ करके दिखाऊंगा। एक टर्नरी ट्री के मैक्सिमम 3 चिल्ड्रन हो सकते हैं, तो हमें सबसे पहले वही मेथड उसी तरीके से यूज़ करना है कि हमें एक बाउंड्री बनानी है इस तरह से कि हम अज्यूम करेंगे कि हर नोड के 3 चिल्ड्रन हैं। तो ये सेम हमने वैसे ही बाउंड्री बना दी जैसे हमने पिछली बार बनाई थी, और उसी तरह से हम नंबरिंग देंगे, लेकिन इस बार नंबरिंग 1, 2, 3, 4 होगी। वैसे ही हमें प्री ऑर्डर फाइंड करना है, तो हम बाउंड्री के लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे और राइट साइड पे ख़त्म होंगे और सभी वंस को कंसिडर करेंगे। तो हम पहला वन हमारा आया 1 पे, तो 1, अगला वन आया 2 पे, तो 2, उसके बाद 4, उसके बाद 3, अगला 5, उसके बाद 6, फिर 8 और लास्ट में 7। पोस्ट ऑर्डर के लिए हम सभी फोर्स को कंसिडर करेंगे, तो पहला हमारे पास आया 4, अगला आया 2, उसके बाद आया 5, फिर 8, 6, 7, 3 और 1। इन ऑर्डर में हमें हमारे पास दो चॉइस हैं, हम या तो 2 को कंसिडर करें, हम या 3 को कंसिडर करें। ये हमें ध्यान रखना है कि हम सिर्फ एक को ही कंसिडर कर सकते हैं, अपने मिक्स मैच नहीं कर सकते। या तो आप 2 को कंसिडर करें या आप 3 को कंसिडर करें। तो मैं दोनों ही ऑर्डर लिखने वाला हूँ, पहले मैं 2 को कंसिडर करता हूँ। जब हम 2 को कंसिडर करेंगे तो हमारे पास आएगा 2, 4, 1, 5, 3, 6, 8, 7। और दूसरा इन ऑर्डर एक और हो सकता है जिसमें हम 3 को कंसिडर करें, तो उसमें होगा आंसर 2, 4, 1, 5, 8, 6, 3, 7। आप ये देखेंगे कि दोनों में आंसर अलग अलग आ रहा है, लेकिन ये बिल्कुल सही है। हम जो भी कंसिडर करें उस हिसाब से अलग आंसर आएगा, और ये दोनों ही इसके इन ऑर्डर हैं। जब हम एक एन एरे ट्री लेंगे तो उसका एक प्री ऑर्डर होगा, एक पोस्ट ऑर्डर होगा, लेकिन n-1 इन ऑर्डर होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हम इन दो को मिक्स मैच नहीं कर सकते। अगर हमने एक कन्वेंशन को सिलेक्ट कर लिया तो हम पूरे ट्री में सेम वही कन्वेंशन यूज़ करेंगे। थैंक यू।